तो कल का मेरा फ्लाइट है गाइस, मैं और कल मैं जाने वाला हूँ इंडिया, बिकॉज़ मेरा 38 डेज मैं रह चुका हूँ ऑलरेडी यहाँ पे कतर में। बहुत अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बहुत जल्दी आऊँगा मैं। और ये बिल्डिंग है जहाँ पे मैं रहा हूँ, मतलब मैं स्टे किया हूँ, जहाँ पे देख सकते हो आप बाहर का ये नज़ारा है, व्यू है। मेरा मॉर्निंग में 8 बजे की फ़्लाइट है, लेकिन हम लोग को पहले निकलना पड़ेगा, 3:30-4 बजे कुछ निकलना पड़ेगा। एंड ये है हमारा रूम, मीन्स मेरा फ्रेंड लोग भी रहते हैं यहाँ पे कतर में, और बहुत अच्छा है, मतलब सब चीज़ जो भी अवेलेबल रहता है हर चीज़ है। एंड ये है बाहर का व्यू, ज़्यादा कुछ खास नहीं है बिकॉज कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का काम चालू है। तो अभी सुबह का कुछ 3:30-4 बज चुके हैं एंड हम लोग निकल चुके हैं फॉर एयरपोर्ट। अभी हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, कतर एयरपोर्ट। यस, अभी 1.5 घंटा जाने में लगेगा हम लोग को, एंड 2 घंटा पहले भी पहुंचना रहता है, तो वही 3:30-3.5 घंटा पहले निकले हम लोग फॉर एयरपोर्ट के लिए, पहुंचने वाले कुछ ही देर में हम लोग एयरपोर्ट। यस, यहाँ पे जो हाईवेज बने हुए हैं बहुत ही वर्ल्ड क्लास हाईवेज है, बहुत अमेजिंग सब है। ये जो पर्पल कलर में दिख रहा है अपने को, ये अरबिक में लिखा हुआ है। और हम लोग पहुंच गए हैं कतर एयरपोर्ट। ये अंदर से कतर एयरपोर्ट का डेकोरेशन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है एकदम। ये कितना बड़ा एस्केलेटर है भाई, ये एयरपोर्ट पे ही दिखने को मिलता है ओनली। बहुत ही मजा आ रहा है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट इट इज अमेजिंग। कतर एयरपोर्ट हम लोग जा रहे हैं मुंबई के लिए, एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट। ये पैदल नहीं चलने पड़े पब्लिक को, तो उसके लिए हर जगह ये वाला एस्केलेटर लगा हुआ है एयरपोर्ट में लगभग। दोहा एयरपोर्ट, नीचे मेरे को चलना ही नहीं है, मैं नीचे चलूँगा नहीं, ओनली एस्केलेटर यूज़ करूँगा, बड़ा आदमी हूँ मैं। यस, बहुत पावर है अपने पास, अपन खाली एस्केलेटर यूज़ करते हैं। ये है इसका मेन एंट्रेंस, एंड ये वाला जो गुड्डा है आपको हर लगभग जो भी कतर आते हैं वो ब्लॉग जो बनाते हैं उसमें देखे होंगे आप लोग भी, मेरे इसमें भी देख लो आप लोग। नाउन से हो गया अभी जाने के लिए, तो हम लोग अभी जाने वाले हैं, जस्ट जा रहे हैं अभी बैठने के लिए फ्लाइट में। तो मैं अभी बैठ चुका हूँ फ्लाइट पे। या इंडिया जाने का अलग ही खुशी रहता है एकदम से, बहुत मज़ा आ रहा है कि जाऊँ कब पहुँचूँ, क्या है ना अपना जो भी कंट्री रहता है वहाँ पे जीने में अलग ही मज़ा है। ये दोहा एयरपोर्ट सी के जस्ट बगल में है, ऊपर से बहुत बेहतरीन नज़ारा आ रहा, बहुत बेहतरीन। चिकन सैंडविच है एंड कोक है, एंड ये वाला क्या चीज़ है मालूम नहीं मेरे को। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मुंबई, यस लेट्स गो इंडिया। मुंबई एयरपोर्ट आजा बाबा, अब मेरा भी आजा, ट्रॉली आ जाओ अब मेरा। 15 मिनट हो चुका अभी तक आया नहीं, कब आओगे भाई, आ जाओ जल्दी से। आ गया मेरा ट्रोलिया।